सबसे पहले आप याद रखिएगा अपना कचरा, हम कचरा ग्राम बन चुके हैं, तो इस कचरे का जो जो ठीक कर सके उस सरकार को वोट देना, जो हमारी सड़क के गड्ढों को ठीक कर सके उस सरकार को वोट करना, जो हमारी नालियां साफ कर सके उस सरकार को वोट देना, जो हमें 24 घंटे बिजली दे सके उस सरकार को वोट देना, जो हमारा अस्पताल बना सके, जिस लोगों ने हमारा अस्पताल 5 साल से तोड़ रखा है उनको निकालने का काम इस बार गुड़गांव और बादशाहपुर को करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम में इस समय सियासी माहौल है, सभी नेता, सभी जनप्रतिनिधि या सभी पार्टियां यूं कहें कि वोट कहीं ना कहीं बटोरने की फिराक में है, लेकिन वोट क्यों डालना है ऐसा एक आज प्रयास यहां पे डॉक्टर सारिका वर्मा के द्वारा किया गया। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आपने संडे सुबह यहाँ आके हमें कवर किया, आई एम ग्रेटफुल। मैं आपके माध्यम से गुड़गांव की जनता, गुड़गांव बादशाहपुर की जनता को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि 10 साल में जो हमारी बदहाली हुई है उसको भूले ना। इस समय क्या होता है, चुनाव के टाइम जाति के नाम पर, केंद्रीय लीडरशिप के नाम पर गलत गलत चीज़ों पे आप वोट दे देते हैं, फिर 5 साल सफ़र करते हैं। 15 साल से मैं यहाँ गुड़गांव में रह रही हूँ और जितनी बदहाली अब हो रखी है इतनी कभी नहीं हुई है। आप प्लीज़ याद रखिएगा, जैसे हमने ये पोस्टर बना रखा है कि अपने यहाँ की सड़क के गड्ढे हर सेक्टर में इन्होंने 100 करोड़ रुपए ये रोड के नाम पर यूज कर लिए हैं, लेकिन कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ सड़क ठीक हो। मैम, सभी पार्टियां, सभी नेता या यूं कहें कि सभी प्रत्याशी वोट बटोरने की फिराक में है और अपील ये की जा रही है कि घरों से निकले पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन वोट क्यों कहें ऐसा कम बताया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सभी को कि आप एक तो अपना प्रत्याशी देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, वो किस पार्टी से अफिलिएटेड थे। आज उनको टिकट नहीं मिली है इसलिए आज हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, कल आप हमें जैसे पावर में आएंगे हम वापस उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। स्वर्गीय राकेश दौलताबाद को देख लीजिए, बादशाहपुर ने उनका भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके उनको चुना था, चुनाव के 10 दिन बाद सीधे जाके वो भारतीय जनता पार्टी में बैठ गए और उन्होंने 5 साल राज किया। अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया, आज उनकी पत्नी भी उसी पे उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन काम क्या था? अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने आपको वोट दिया था तो हमें पता था कि उन पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, उन्होंने पार्टी क्यों ज्वाइन किया। ऐसे ही गुड़गांव के हैं जिनको वो अभी सीट नहीं मिली है भारतीय जनता पार्टी से, वो खूब पैसा खर्च रहे हैं लेकिन बाद में वो वापस भारतीय जनता पार्टी की पॉकेट में जाके बैठ जाएंगे। तो हमारा ये निवेदन है सभी सिटीजन्स को, अपने घर के आसपास का कचरा याद रखना, अपने घर के आसपास का सीवर का पानी याद रखना, अपने यहाँ पे जब बारिश हो जाती है हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं वो जल भराव याद रखना, हमारे टूटी सड़कें याद रखना, हमारी लूटी हुई ग्रीनरी याद रखना। और ग्रीनरी से याद आया, जो एक विधायक खड़े हुए हैं पूर्व मंत्री बादशाहपुर से, वो पहले हमारे पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं और उनके अपने शब्द थे, मुझे उन्होंने कहा था कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पर्यावरण मंत्री हूँ और उनके राज में हमारा हरियाणा का फॉरेस्ट कवर 5.8% से गिर के 3.5% रह गया। तो हमारे बच्चों के जो फेफड़ों का ऑक्सीजन उन्होंने खाया है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर इतना करप्शन था कि उनको चांस नहीं दिया, कोई केस नहीं हुआ, वापस वो उनके प्रत्याशी बन के खड़े हुए। तो मैं जनता को याद दिलाना चाहती हूँ कि आप इस समय जो चुनावी भावनाओं में मत बह जाओ, बहुत चीजें बट रही है, पैसे भी बट रहे हैं, बहुत और चीजें बट रही है, पर ये याद रखना आपका वोट तय करेगा कि आपका शहर कैसा होगा। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट करना, सफाई के लिए वोट करना, अच्छी सड़कों के लिए वोट करना और मिलेनियम सिटी को मिलेनियम बनाने वालों का ही काम। मैम, सियासी गलियारों की चर्चाएं ये भी कह रही है कि हरियाणा के अंदर भाजपा बहुमत में आपकी दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए भाजपा की एक इंटरनल स्ट्रैटेजी चल रही है कि वो दर्जन भर से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों को इनडायरेक्ट रूप में सपोर्ट कर रही है ताकि समय आने पे उनका प्रयोग किया जा सके। यही स्ट्रैटेजी रही है, पिछली बार भी आपको याद होगा 2017 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी थी और उसके बाद उन्होंने 15 शायद इंडिपेंडेंट काउंसिलर्स को अपनी तरफ कर लिया और उसके बाद उन्होंने मेयर भी अपना बना लिया। तो जनता को बोलना चाहती हूँ, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करिए, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करिए, इनके नफरत के खिलाफ वोट करिए, ताकि हम अपने गुड़गांव शहर में कुछ सुधार देख सके, वरना अगले 5 साल फिर माता पीटते फिरो। मैम, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका वोट भी बादशाहपुर विधानसभा में है और जो अभी गुरुग्राम के कैंडिडेट है वो बादशाहपुर में अपनी सेवाएं दिखा चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहती हूँ, गुड़गांव बादशाहपुर एक ही शहर है, हमारी मुद्दे सेम है, हमारे इश्यूज सेम है, हमारी मिस गवर्नेंस सेम है,
ट्रिपल इंजन की सरकार को बाय बाय करने का समय आ गया है। गुड़गांव और बादशाहपुर की जनता से एक ही निवेदन है, एकजुट होकर इनके खिलाफ वोट करिए। बदलाव लाते हैं, कुछ युवा कैंडिडेट ऐसे लाते हैं जो काम करेंगे, जिनको एनवायरनमेंट की कुछ नॉलेज है, या एटलीस्ट वो हमारे इतने एरोगेंट नहीं होंगे कि हमारी बात सुनेंगे नहीं। हम एटलीस्ट उनको बोल के शहर का कचरा साफ करवा सकते हैं, गुड़गांव को एक जीरो वेस्ट सिटी बना सकते हैं। बदलाव लाने का काम आपको करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, कोई पांच ऐसे मुद्दे बताएं जिन्हें याद कर गुरुग्राम की जनता इस बार ईवीएम पे कोई भी बटन दबाए। सबसे पहले आप याद रखिएगा अपना कचरा, हम कचरा ग्राम बन चुके हैं, तो इस कचरे का जो जो ठीक कर सके उस सरकार को वोट देना, जो हमारी सड़क के गड्ढों को ठीक कर सके उस सरकार को वोट करना, जो हमारी नालियां साफ कर सके उस सरकार को वोट देना, जो हमें 24 घंटे बिजली दे सके उस सरकार को वोट देना, जो हमारा अस्पताल बना सके, जिस लोगों ने हमारा अस्पताल 5 साल से तोड़ रखा है उनको निकालने का काम इस बार गुड़गांव और बादशाहपुर को करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा, और जो मुद्दे यहाँ पे डिस्कस किए गए ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को याद कर आपको 5 अक्टूबर को मतदान के लिए जाना है, उसके बाद ईवीएम का बटन दबाना है। लेकिन ईवीएम का बटन दबाने से पहले जो डॉक्टर सारिका वर्मा ने अपील की कि ये 5 मुद्दे याद करें, जो व्यक्ति जो कैंडिडेट जो राजनीतिक दल इन मुद्दों का समाधान कर सके आप उन्हें वोट करें। लेकिन वायरल सच की यही अपील कि अधिक से अधिक मतदान करें।